हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्लैब के बारे में। स्लैब को स्टार्ट करने से पहले, स्लैब का डिजाइनिंग प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ कोडल प्रोविजन है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड ये कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोग स्लैब का जो डिजाइनिंग प्रोसीजर है उसको स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। स्लैब के कोडल प्रोविजन में स्लैब पार्ट से अगर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर बनता है तो 80-90% जो पार्ट है ये कोडल प्रोविजन से ही पूछा जाता है। कोडल प्रोविजन में क्या क्या पूछा जाता है, तो पहला आएगा इफेक्टिव लेंथ, फिर डिफ्लेक्शन कंट्रोल, डिफ्लेक्शन लिमिट एंड लेटरल स्टेबिलिटी। ये चार तरह के कोडल प्रोविजन स्लैब से बनते हैं एंड मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से अराइज किए जाते हैं। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। इफेक्टिव लेंथ क्या होता है? देखिए, इफेक्टिव लेंथ वह लेंथ होता है जहाँ तक दो सपोर्ट्स के बीच में वह डिस्टेंस जहाँ तक उसके ऊपर लगाए गए लोड इफेक्ट कर सकता है। मतलब कि अगर हमारे पास ये स्लैब है, ये जो डायग्राम में दिख रहा है ये स्लैब है, इसके पास में दो सपोर्ट्स हैं, तो इस सपोर्ट के बीच में डिस्टेंस जो है, ये हमने LC दिखाया हुआ है, जो ये LC, तो ये LC है सपोर्ट डिस्टेंस बिटवीन टू सपोर्ट, दो सपोर्ट के बीच का ये इनर डिस्टेंस हो गया। तो इस पर जो स्लैब हमने बनाया हुआ है, ये जो ऊपर में स्लैब बना हुआ है, ये स्लैब का इफेक्ट कितने लेंथ तक हो सकता है, इस स्लैब का जो इफेक्ट है कितने लेंथ तक हो सकता है, क्या ये कॉलम के या सेंटर पॉइंट तक होगा, या कॉलम के आउटर डायमेंशन तक होगा, या फिर कॉलम के बियॉन्ड डायरेक्शन तक, वो बाहर जा करके भी होगा, ठीक है। तो वो डिस्टेंस हमारा कहलाता है इफेक्टिव लेंथ। यह इफेक्टिव लेंथ हम लोग स्लैब में बीम में भी देखे थे, टी बीम में, एल बीम में कंटिन्यूअस था कि मोनोलिथिक था, दोनों सारे केस में हमने टी बीम में भी देखे थे, वैसे ही हमें स्लैब में भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यह इफेक्टिव लेंथ हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जब हमारा सपोर्ट सिंपली सपोर्टेड हो तो उस केस में हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे इफेक्टिव लेंथ, LC प्लस डी या फिर LC प्लस B1 बाई 2 प्लस B2 बाई 2, इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगा वो हमारा इफेक्टिव लेंथ होगा। जैसे एग्जांपल के लिए बात कर लें कि इस स्लैब में आपको दिया हुआ है LC की वैल्यू 8 मीटर का, ठीक है। B1 और B2 जो सपोर्ट्स हैं ये आपको 400 mm के दिए हुए हैं, 400 mm का दिया हुआ है और ये 8 मीटर का दिया हुआ है, ठीक है। तो कहेगा L इफेक्टिव निकालिए, तो क्या करेंगे, LC के वैल्यू रखेंगे कितना, 8000 प्लस में डी इफेक्टिव डेप्थ। आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, सपोज यहाँ दिया हुआ है 350 mm, तो 350 mm इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दिए, तो बन गया हमारा 8350। एक हमारा ये डायमेंशन बन गया। दूसरा कहता है LC प्लस B1 बाई 2 प्लस B2 बाई 2, तो सेकंड हमको जो मिला वो आ गया LC का मतलब 8000 प्लस B1 बाई 2 यानी कि 400 बाई 2 और 400 बाई 2 यानी कि 400, तो ये बन गया हमारा 8400। तो एक मिल रहा है कि 8350 और दूसरा 8400, मतलब हमारा इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू है 8350 का। तो इफेक्टिव लेंथ इस कॉलम के लिए, सॉरी इस स्लैब के लिए जहाँ पर इनर डिस्टेंस हमको दिया हुआ है 8 मीटर, तो उसके लिए हो जाएगा 8350 mm का, यानी कि अगर मीटर में कहें तो 8.35 मीटर में हो जाएगा। तो इस तरह से हम एल इफेक्टिव की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमें डिस्टेंस पता हो इनर सपोर्ट के बीच में। देखिए, हमने यहाँ पर LC प्लस B1 बाई 2 प्लस B2 बाई 2 इसलिए लिखा है, अगर आपको B1 और B2 का अलग अलग डायमेंशन दिया हो, सपोज विड्थ ऑफ सपोर्ट एक में 400 mm का दिया है, एक में 600 mm का दिया है, तब उस केस में आप क्या करेंगे, तो उसमें B1 बाई 2 अलग, B2 बाई 2 अलग का हम लोग ऐड करेंगे और इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो हमारा आंसर होगा। अगर आपको सपोर्ट सेम दिया हो, अगर आपको सेम सपोर्ट का विड्थ है, तो B1 बाई 2, B2 बाई 2 लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम B बाई 2 लिखेंगे, LC प्लस B बाई 2 एंड LC प्लस में D, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा जब हमारा सिंपली सपोर्टेड का केस है। तब देखिए, सिमिलर फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई होगा कंटिन्यूअस सपोर्ट के लिए, लेकिन कब अप्लाई होगा, जब B1 और B2 LC/12 से कम हो, छोटा हो। जैसे कि अगर LC का लेंथ LC/12 लेते हैं, जैसे कि LC की वैल्यू आपको 8 मीटर का दिया हुआ, 8000 mm डिवाइड बाई 12 की है, ठीक है। तो 8000 को 12 से भागा देते हैं तो आता है 666, यह आ गया 666.66। और आपको जो विड्थ ऑफ सपोर्ट है 400 mm ही दिया हुआ है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, B1 आपका लेस देन हो गया LC/12 से, B1 क्या हो गया, लेस देन हो गया, 400 क्या हो गया, लेस हो गया 666.66 है। तो इस केस में हम लोग ये फार्मूला अप्लाई करेंगे LC प्लस डी या फिर LC प्लस B1 बाई 2 प्लस में B2 बाई 2 का, इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगा वो हमारा हो जाएगा L इफेक्टिव के लिए।
सिमिलरली बात करते हैं, जब हमारा स्लैब जो है कंटिन्यूअस सपोर्ट में ही हो, कंटिन्यूअस सपोर्ट ही हो, लेकिन वहाँ पर B1 और B2 जो दोनों ही हैं वो LC/12 से ग्रेटर वैल्यू रखते हों, जैसे कि अगर 8 मीटर का आपका स्लैब है, 8 मीटर का अगर इनर डिस्टेंस है, तो 8000 mm/12 ये आ गया 666.66, और आपका जो विड्थ ऑफ सपोर्ट है, सपोर्ट का जो विड्थ है ये आपको 700 mm का है, मतलब यहाँ पर ये 700 ग्रेटर देन वैल्यू रखता है 666.66 से, ठीक है। तो इस केस में हम लोग जो अप्लाई करेंगे एल इफेक्टिव की वैल्यू निकालने के लिए, वो अप्लाई होगा ये LC+D/2 या फिर LC+B/2, इन दोनों में से जो हमारा मिनिमम वैल्यू होगा वही हमारा आंसर होगा। और जब कैंटिलीवर का केस है तो LC+D/2 हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ पर डायग्राम में सब कुछ बता दिए हैं कि एल सी क्या है, बी वन क्या है, बी टू क्या है एंड डी क्या है, तो एक दो अगर आप एग्जाम्पल इस पर आप बनाइएगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि एल इफेक्टिव की वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे जब हमारे इंड कंडीशन पता हो। देखिए इस वैल्यू को याद रखना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन इससे जनरली पूछा जाता है, छोटे क्वेश्चन 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये कोडल प्रोविजन भी होता है, तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। दूसरा आता है डिफ्लेक्शन कंट्रोल। देखिए डिफ्लेक्शन कंट्रोल क्या होता है, डिफ्लेक्शन कंट्रोल का मतलब ये है कि जब जैसे हमारे पास स्लैब है, ये स्लैब है, इस स्लैब पर जब हम लोड अप्लाई करते हैं, तो लोड कौन सा अप्लाई होता है, एक तो डेड लोड जो स्ट्रक्चर का सेल्फ वेट है वो डेड लोड, एंड स्ट्रक्चर के ऊपर लगने वाला लाइव लोड, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर वेरिएशन, क्रीप एंड श्रिंकेज, इन सभी के वजह से जो लोड अप्लाई होगा ड्यूरिंग डिजाइनिंग, हम कितना मैक्सिमम डिफ्लेक्शन को अलाउ कर सकते हैं वो चीज़ कहलाता है डिफ्लेक्शन कंट्रोल, ठीक है। कितना मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अलाउ करेंगे फाइनल डिफ्लेक्शन, वो चीज़ कहलाता है डिफ्लेक्शन कंट्रोल। अब देखिए क्या क्या हमने बताया कि ऑल लोड, अगर स्लैब पर टोटल तरह के लोड अप्लाई हो, अगर स्लैब पर ऑल लोड हो, ऑल लोड का मतलब डेड लोड प्लस में लाइव लोड से होता है, ठीक है। और भी होते हैं विंड लोड, स्नो लोड, अर्थक्वेक लोड, ये सभी लोड जनरली क्वेश्चन में मेंशन होता है डेड लोड और लाइव लोड का, या फिर और भी मेंशन होता है आपको भी यही समझना ऑल लोड में टोटल लोड का हमारा काउंट हो जाता है। उसके बाद टेम्परेचर वेरिएशन से भी, क्रीप क्या होता है कि सस्टेन लोड पड़ने के कारण स्लैब के डायमेंशन में जो चेंजेज आते हैं उसको क्रीप कहा जाता है, ठीक है, क्रीप के वजह से। उसके बाद श्रिंकेज के वजह से, सिकुड़ाव होने की वजह से, सिकुड़ाव श्रिंकेज क्यों होता है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं सीमेंट के, तो उसमें अगर ठीक से क्यूरिंग नहीं हुआ हो, प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हुआ हो, तो उसके वजह से श्रिंकेज आ जाते हैं, तो श्रिंकेज की वजह से। तो ये सभी क्रियाएं जहां पर होती है, जहां पर ये सारा प्रोसीजर होता है, उस केस में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो होता है फाइनल डिफ्लेक्शन अलाउ कर सकते हैं कितना, Span/250। देखिए ये mm में होगा, स्पैन का लेंथ जो होगा mm में होगा, तो Span/250 की जो वैल्यू आएगी वो हमारा हो जाएगा फाइनल डिफ्लेक्शन, उतना अलाउबल रहेगा, ये कंट्रोल पॉइंट है। सिमिलरली जब स्लैब पर लाइव लोड लग रहा हो, जब स्लैब पर लाइव लोड हो और टेम्परेचर क्रीप श्रिंकेज, देखिए टेम्परेचर क्रीप श्रिंकेज दोनों में कॉमन है, तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। कन्फ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है कि एक बार कहेगा कि ऑल लोड और दूसरी बार कहेगा कि सिर्फ लाइव लोड, या लाइव लोड ना कह के बोलेगा कि टेम्परेचर क्रीप श्रिंकेज तो लग ही रहा है, उसके बाद ये कब हो रहा है, अकरिंग आफ्टर इरेक्शन ऑफ पार्टीशन एंड एप्लीकेशन ऑफ फिनिशेज, जैसे कि अगर कहेगा प्लास्टिंग वर्क हो रहा है, फिनिशिंग वर्क हो रहा है, चाहे लाइव लोड वहाँ पे लग रहा है और टेम्परेचर क्रिप सिंकेज लग रहा है, तो उस समय हम मैक्सिमम रिफ्लेक्शन कितना हम अलाउ कर सकते हैं, तो वो आएगा स्पेन बाई 350 और 20 mm, विच एवर इज लेस, तो इसमें से हम वो अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ आता है डिफ्लेक्शन कंट्रोल के लिए। नेक्स्ट है हमारा डिफ्लेक्शन लिमिट है कि कितना तक मैक्सिमम डिफ्लेक्शन लिमिट हो सकता है, यानी कि यहाँ से ये चीज़ बताता है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ एल इफेक्टिव टू इफेक्टिव डेप्थ, यानी कि इफेक्टिव लेंथ टू इफेक्टिव डेप्थ का जो रेशियो होना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारे डिफ्लेक्शन नहीं आए, वो शुड नॉट बी लेस देन 7 इन केस ऑफ कैंटिलीवर, शुड नॉट बी लेस देन 20 इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड, शुड नॉट बी लेस देन 26 फॉर कंटिन्यूअस बीम। अगर ये इससे ज़्यादा होता है, ठीक है, मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन है, यानी कि ये वैल्यू हमारी ग्रेटर है, इससे कम अगर होता है तो उसमें हमारा डिफ्लेक्शन देखने को मिल जाएगा। डिफ्लेक्शन नहीं है इसलिए हम यहाँ पर डिफ्लेक्शन लिमिट ये हम लोग यूज करते हैं। डिफ्लेक्शन लिमिट क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ टू इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव लेंथ और इफेक्टिव डेप्थ का जो लेंथ का रेशियो होना चाहिए वो शुड नॉट बी लेस देन 7 इन केस ऑफ कैंटिलीवर, शुड नॉट बी लेस देन 20 इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड, एंड शुड नॉट बी लेस देन 26 इन केस ऑफ कंटिन्यूअस, ठीक है। ये कब अप्लाई होगा, जब हमारा स्पैन 10 मीटर तक का हो,
यानी कि दो सपोर्ट्स के बीच का डिस्टेंस 10 मीटर तक का हो, 10 मीटर या उससे कम है तब तक के लिए ये अप्लाई होगा। अगर 10 मीटर से ज़्यादा हो गया, अगर ये वैल्यू अगर 10 मीटर से ज़्यादा, जैसे दो, ऐसा तो है नहीं ना कि 10 मीटर से ज़्यादा हम लोग बना नहीं सकते हैं, बनाएंगे, उसके लिए कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है वो फॉलो करेगा, फिर हम आगे उसको बनाएंगे। जैसे हमारे दो कॉलम के बीच का जो डिस्टेंस, दो सपोर्ट के बीच का डिस्टेंस है वो 15 मीटर आ गया, तब क्या करेंगे, 15 मीटर आ गया तब क्या करेंगे इसमें, और ये कंडीशन हमारा सिंपली सपोर्टेड का अगर है तो करेंगे ये काम कि जो भी इसमें वैल्यू है, जैसे 7, 20 और 26 है, जैसे सिंपली सपोर्टेड का मानते हैं, तब 15 मीटर का अगर स्पैन है तो क्या करेंगे, 10 बट्टा में 15। अगर 20 मीटर का स्पैन है तो क्या करेंगे, 10 बट्टा में 20 कर देंगे, ठीक है। तो यानी कि जैसे ही अगर स्लैब का जो इंटरनल डिस्टेंस है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू सपोर्ट्स, अगर 10 मीटर से ज़्यादा एक्सीड किया तो इस वैल्यू में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 डिवाइडेड बाई स्पैन, इस वैल्यू में मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई स्पैन का, ठीक है। जैसे अगर कंटिन्यूस बीम आ गया, बोलेगा कि 16 मीटर का स्पैन है तो क्या करेंगे, 10 बट्टा में 16। अब 10 क्यों करते हैं, क्योंकि ये वैल्यू 10 मीटर के लिए ही बताया गया है, ये वैल्यू जो है 10 मीटर के लिए बताया गया है, और 10 मीटर से ज़्यादा हो रहा है तब क्या करेंगे, तो 10 बट्टा 16, 10 जितना भी ज़्यादा होगा उतना को डिवाइड, जैसे 12 मीटर का स्पैन है तो क्या करेंगे, 10 बट्टा में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है कुछ इस तरह का बन जाएगा, इंटू में 10 बट्टा 7 × 10 बट्टा स्पैन, 20 × 10 बट्टा स्पैन, 26 × 10 बट्टा स्पैन, कुछ इस तरह की ये वैल्यू यहाँ पर बन जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। उसके बाद इसमें एक वैल्यू और आती है, मॉडिफिकेशन फैक्टर की वैल्यू। मॉडिफिकेशन फैक्टर जो है ये परसेंटेज ऑफ स्टील पर डिपेंड करता है। अगर आपको क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन फैक्टर की वैल्यू दी हुई है या आपको कहता है कि कैलकुलेट कीजिए, तो ये डिपेंड करता है परसेंटेज ऑफ स्टील पर, और परसेंटेज ऑफ स्टील से रिलेटेड एक ग्राफ दिया हुआ है IS 456 में, आप देखिएगा पेज नंबर 38 पर फिगर नंबर फोर है, वहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है जो कि रिलेशन बताता है मॉडिफिकेशन फैक्टर 1 एंड परसेंटेज ऑफ स्टील में। सिमिलरली पेज 39 पर, तो वहाँ पर MF2 की वैल्यू दी हुई है परसेंटेज ऑफ स्टील के रिस्पेक्ट में, तो वहाँ से वैल्यू को कैलकुलेट करके हम इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इफेक्ट ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टील के वजह से जो मॉडिफाई वैल्यू हमारी होगी IS 456 के अकॉर्डिंग, उसमें हम वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करके यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। या फिर आपको ऑब्जेक्टिव में ये MF1 और MF2 डायरेक्टली दी हुई होती है। जनरली अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहा है तो MF1 MF2 की वैल्यू दी रहती है, वहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करना नहीं भूलेंगे, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं कि हम कैलकुलेट करते क्यों हैं। तो हम दो पर्पस है, पहला ये कि हमको एल बाई डी की वैल्यू कितना रखना है, उसका रेशियो कितना होना चाहिए, 7 से कम नहीं, 20 से कम नहीं, 26 से कम नहीं होना चाहिए। इससे होता है तो फिर हमारा डिफ्लेक्शन देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ से हम इफेक्टिव डेप्थ भी कैलकुलेट करते हैं, यानी कि डी की वैल्यू को यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि स्लैब जो हम बना रहे हैं, कास्टिंग कर रहे हैं, उसमें हम इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू कितना रखना चाहिए, कितना रखना हमें चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, अगर आपको कह दे कि एल इफेक्टिव की वैल्यू आपके पास 8 मीटर का है, और जो आपके पास सिंपली सपोर्टेड का ये केस है, तो आपको निकालना है इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए वैल्यू हम लोग यूज करेंगे सिंपली सपोर्टेड का केस है। सिंपली सपोर्टेड के लिए क्या जानते हैं कि एल बाई डी की वैल्यू हमारी शुड नॉट बी लेस देन कितना चाहिए, 20। तो यहाँ पर एल पता है 8 मीटर का, एल हमें यहाँ से पता है, तो 8000 डिवाइड बाई डी शुड नॉट बी लेस देन 20, तो 20 हमारे यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो बन जाएगा डी की वैल्यू 400 mm, यानी कि डी हमारा शुड नॉट बी ग्रेटर देन, डी हो जाएगा शुड नॉट बी ग्रेटर देन हमारा 400, ठीक है। तो 400 से कम हमारा डी की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको स्पैन का लेंथ अगर दे दिया गया है, एल इफेक्टिव की वैल्यू अगर आपको मिल गया है 16 मीटर का है, कहते हैं कि ये कंटिन्यूस सपोर्ट्स के लिए, तो आप डी की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करें। तो सिमिलरली एल इफेक्टिव बाई डी हमारा क्या होता है, शुड नॉट बी लेस देन 26, और ये 16 मीटर का स्पैन है, तो इनटू में 10 डिवाइडेड बाई 16 करेंगे। अब ये जो कैलकुलेशन किया हुआ पार्ट से, इसको हम ले आएंगे एल इफेक्टिव के डिवाइड में, यानी 16000 डिवाइड बाई इतना, और डी चला जाएगा हमारे यहाँ पर, तो कुछ इस तरह का बनेगा 16000 डिवाइड बाई इसको करेंगे तो 4160 आएगा। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो बनेगा आपको 3.3
3.48 मीटर का आ रहा है। तो ये इसको कैलकुलेट करके आप देख लीजिएगा कितना ये वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू कुछ आना चाहिए इस तरह का, 26। यहाँ से डी की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 984 एमएम में आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थे डिफ्लेक्शन लिमिट से रिलेटेड, ठीक है। अब बात करते हैं लेटरल स्टेबिलिटी का, मतलब कि जो हम स्लैब कास्टिंग कर रहे हैं तो उसमें लेटरल स्टेबिलिटी कितना होगा वो चेक करने के लिए। लेटरल स्टेबिलिटी का मतलब कि हमारा स्पैन का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, यानी कि जब हम कास्टिंग करेंगे स्लैब का तो इसके बीच का जो जो डिस्टेंस है कितना होना चाहिए कि इसमें डिफ्लेक्शन नहीं है, वो बताते हैं लेटरल स्टेबिलिटी, लेटरली स्टेबल है कि नहीं, ये चीज़ हम लोग चेक करेंगे। जैसे तो यहाँ पर देखा है, यहाँ पर बताया गया है कि जब आपका स्लैब का जो कंडीशन है या तो सिंपली सपोर्टेड हो या तो कंटिन्यूअस हो, तो उस केस में 60B या फिर 250B स्क्वायर बाई डी का मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे इन दोनों में से लेस वैल्यू कौन सा है, वो हमें बताएगा कि मैक्सिमम स्पैन डिस्टेंस कितना हो सकता है, ठीक है। मैक्सिमम स्पैन का जो लेंथ है वो कितना हो सकता है, यहाँ से पता चलेगा जब हमको सिंपली सपोर्टेड या फिर कैंटिलीवर सॉरी कंटिन्यूअस का रखना हो तो। एंड जब कैंटिलीवर का केस हो तो हो जाएगा 25B और 100B स्क्वायर बाई डी। देखिए यहाँ पर B क्या है, B होता है विड्थ, B है यहाँ पर विड्थ, एंड D हो गया क्या, D हो गया यहाँ पर इफेक्टिव डेप्थ आपका, ठीक है। इफेक्टिव डेप्थ, ये क्वेश्चन आपको ये वैल्यू क्वेश्चन में दी रहेंगी और पूछेगा कि आपको स्पैन, जैसे क्वेश्चन इसका एक एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में अगर आपको कह दिया कि स्पैन लेंथ, स्पैन का आपको लेंथ है 5000 का, 5000 mm आपको स्पैन लेंथ है और आपको चेक करना है लेटरल स्टेबिलिटी के लिए, हम स्लैब जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो 250 mm विड्थ का है और 450 mm का इफेक्टिव डेप्थ है वहाँ पर। तो क्या ये स्लैब हमारा, क्या ये स्लैब जो है सेफ होगा कि सेफ नहीं होगा, तो इसके लिए चेक करेंगे हम लोग, कौन सा चेक करेंगे, लेटरल स्टेबिलिटी के लिए। लेटरल स्टेबिलिटी क्या कहता है कि हमारा जो स्पैन है वो होना चाहिए कितना, ये होना चाहिए 25 × b, 25 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 250 को 25 से जब मल्टीप्लाई किए तो आ गया हमारा 6250, ये आ गया हमको 6250। और दूसरा जो कंडीशन है 250 b स्क्वायर बाई डी, वो इससे भी ज़्यादा आएगा, यानी कि दोनों में से जो मैक्सिमम होगा 6250 का होगा, ठीक है। तो मतलब कहता है कि इसके अकॉर्डिंग लेटरली स्टेबल कब तक होगा, जब तक हमारा स्पैन 6.25 मीटर तक का होगा, यानी कि स्पैन लेंथ जो अलाउेबल होगा वो होगा 6250 मीटर का, 6250 mm का, लेकिन हमको जो स्लैब मिला है वो 5000 mm का ही है। तो इस केस में क्या होगा, ये इस केस पे हमारा स्लैब जो है लेटरली स्टेबल होगा, मतलब कि स्लैब का जो डायमेंशन हमें दे रखा था वो था 5 मीटर का, ठीक है। लेकिन हम जब कैलकुलेट किए तो बता रहा है कि स्पैन आपका अलाउेबल है कहाँ तक, 6.25 मीटर तक का, मतलब अलाउेबल से कम हम यूज कर रहे हैं, मतलब हम सेफ में हैं। अगर यही वैल्यू 6.25 नहीं आ करके, ये वैल्यू अगर 6.25 नहीं आ करके, अगर ये 4.25 में आता, ठीक है, अगर ये 4.25 में आता, अगर सपोज ये यहाँ पर ये वैल्यू अगर ये यहाँ से 4.25 में अगर आ जाता तो क्या करते, ये वैल्यू हमारा कम हो जाता, कम वैल्यू मतलब कि IS-456 के अकॉर्डिंग ये हमको बता रहा है कि 4.25 मीटर तक ही आप स्लैब बना सकते हैं, लेकिन हम बना दिए हैं 5 मीटर का, तो इस समय अनसेफ हो जाता, ठीक है। तो इस तरह से हम चेक लगा सकते हैं लेटरल स्टेबिलिटी के लिए, जब हमारा केस सिंपली सपोर्टेड का हो और जब कैंटिलीवर का हो। तो आज के क्लास में इतना ही, जिसमें हमने जाना कि कौन कौन से कोडल प्रोविज़न है स्लैब के लिए, स्लैब में कोडल प्रोविज़न, इफेक्टिव लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिफ्लेक्शन कंट्रोल कितना होता है, डिफ्लेक्शन लिमिट कितना होता है, एंड लेटरल स्टेबिलिटी कितना होता है, तो इन चारों के बारे में हमने डिटेल्स में देखा और कुछ एग्जाम्पल भी हमने मौखिक रूप से किए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, आज के लिए इतना ही।